नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर स्टीव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर जनपदी 4 साथी चोर गिरफ्तार। जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदी 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लाखों के रुपए माल व तमंचे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जालौन में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी स्वामी प्रसाद ने चोरों की धर पकड़ के लिए टीमों का गठन कर पुलिस कर्मियों को लगाया था, जिसके क्रम में बुधवार को उरई कोतवाली पुलिस ने 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक चोर जालौन का निवासी है, जबकि 3 अन्य चोर गैर जनपदों के निवासी हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि यह चोर काफी शातिर ढंग के चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। यह घर से बाहर जाने वालों की रेकी कर घर में घुसते थे, जिसके बाद चोरों की वारदात को अंजाम देते थे, जिसके लिए 2 चोर घर में दाखिल होते थे व अन्य 2 चोर घर के बाहर पहरा देते थे। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद यह अलग अलग क्षेत्रों में भाग जाते थे। उन्होंने बताया कि चोरों का आपराधिक इतिहास भी है, जिनके विरुद्ध जालौन समेत गैर जनपद में भी आपराधिक मामले दर्ज है। मामले का खुलासा करने वाली टीम को इनाम भी दिया गया। आज कोतवाली पुलिस उरई के द्वारा 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जो अंतर जनपदीय चोर है। इनका कार्य क्षेत्र दिल्ली से लेकर के महोबा, हमीरपुर और उरई है। इनके द्वारा रात्रि में ऐसे मकानों में चोरी की जाती है, जहां पर व्यक्ति किसी बारात में या ताला बंद करके चला जाता है और कोई सूचना पुलिस को नहीं देता है। इन मकानों की रेकी कर इनके द्वारा चोरी की जाती है। इसमें से एक शातिर चोर वाहन का प्रयोग करता है, उस वाहन को लेकर के चोरों को और सामान को ढोने में काम करता है। दूसरा ऑपरेशन का काम करता है, जो छतों पर चढ़ करके मकान के अंदर घुसता है और उसके पास लोहे के हथियार है, जिससे ताला मिनटों में टूट जाता है। तीसरा नीचे बैठ करके देखता रहता है ताकि कोई पब्लिक आ नहीं रही है। और चौथा इनको बेचने का काम करता है। 14-15 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। इनका मोडस ऑपरेंडी जो है, सबसे पहले मकानों की तलाशी करना, और एक इसमें से कंट्रेक्टर भी है जो इसकी सूचना इन चोरों को देता है। ये बाहर से चोर इकट्ठा होकर के, यहाँ बेरी बाबा का मजार है, वहाँ इकट्ठा होते हैं और उसके उपरांत रात को चोरी करते हैं। जालौन से अनुज पाटकर की एक रिपोर्ट।